सभी के महानायक अमिताभ बच्चन 82 साल के हो गए हैं। 82 की उम्र में भी अमिताभ बच्चन एंटरटेनमेंट की दुनिया में खासे एक्टिव हैं। ना वो थके हैं, ना रुके हैं, बल्कि लगातार काम किए जा रहे हैं और इसी के साथ बॉलीवुड के शहंशाह की प्रॉपर्टी में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। हाल ही में बिग बी अपनी अतूक संपत्ति को लेकर उस वक्त चर्चा में आए थे जब हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में उन्हें बॉलीवुड का चौथा सबसे अमीर शख्सियत घोषित किया गया था। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक अमिताभ बच्चन तकरीबन 1,600 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। तो वहीं बीते साल दिवाली से ठीक पहले जब ये खबरें आई थीं कि अमिताभ और जया बच्चन ने मुंबई में अपना सबसे पुराना बंगला प्रतीक्षा बेटी श्वेता बच्चन के नाम कर दिया है, तब बिग बी की प्रॉपर्टी को लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही बवाल मच गया था। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन पोती आराध्या और बहू ऐश्वर्या को साइडलाइन कर अपनी दौलत शादीशुदा बेटी श्वेता पर लुटा रहे हैं। हालांकि क्या आप ये जानते हैं कि आज कल या परसों नहीं बल्कि बरसों पहले अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन ये प्लानिंग कर चुके हैं कि वो अपनी हजारों करोड़ की संपत्ति का बंटवारा कैसे करेंगे, उनकी धन दौलत में से कितना हिस्सा बेटे अभिषेक के पास आएगा और पापा की कितनी दौलत पर बेटी श्वेता का हक होगा। आपको बता दें कि अपनी प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर अमिताभ बच्चन तकरीबन 13 साल पहले ही प्लानिंग कर चुके हैं। इस बात का खुलासा उन्होंने साल 2011 में एक इंटरव्यू में किया था। तब बिग बी ने खुलासा किया था कि वो अपनी संपत्ति को समान रूप से अपने दोनों बच्चों श्वेता और अभिषेक के बीच बांटेंगे। बिग बी ने कहा था कि मैं बेटे और बेटी के बीच भेदभाव में विश्वास नहीं करता। मेरे लिए अभिषेक और श्वेता दोनों का मेरी संपत्ति पर समान अधिकार है। तो वहीं साल 2017 में भी अमिताभ ने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर अपनी एक फोटो शेयर की थी जिसमें वो अपने हाथों में एक प्ले कार्ड पकड़े हुए दिख रहे थे। इस बोर्ड पर लिखा था, जब मैं मरूंगा तो जो संपत्ति मैं पीछे छोड़ूंगा वो मेरी बेटी और मेरे बेटे के बीच समान रूप से साझा की जाएगी। जेंडर इक्वालिटी को लेकर बोली गई बिग बी की इस बात से साफ जाहिर है कि अमिताभ अपनी सारी प्रॉपर्टी बेटे और बेटी के बीच दो भागों में समान रूप से बांटेंगे। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन प्रॉपर्टी के मामले में भी शहंशाह हैं। अमिताभ के मुंबई में ही 5 बंगले हैं। इन 5 बंगलों के अलावा बिग बी के पास 3 लग्जरियस अपार्टमेंट भी है। इतना ही नहीं, विदेशों में भी बिग बी के कई घर हैं। फ्रांस में एक घर जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन को गिफ्ट किया था। जानकारी के लिए बता दें कि बीते साल बिग बी ने अपना सबसे पुराना बंगला प्रतीक्षा बेटी श्वेता को गिफ्ट किया है। इस बंगले की कीमत 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।